चलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पबजी मोबाइल वीडियो। तो यार हाँ, पता है पता है पता है, तुम इस चेहरे को इस गेम पे बहुत टाइम बाद देख रहे हो। तो भाई आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली 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 फैंस फेवरेट वीडियो है, फैंस रिकमेंडेशन। आई मीन यानी जो तुम लोगों ने कहा था, तुम लोगों की उस पे बात के ऊपर, जो तुम लोगों की ख्वाहिश थी उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है। तो वही यार, इस वीडियो को तुम लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक को सब्सक्राइब कर दो, लाइक को सब्सक्राइब कर दो। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर तुम लोग एक भी चीज स्किप करते हो इस वीडियो के अंदर, यानी हल्का सा भी स्किप करोगे तो तुम लोगों की सेटिंग बेड़ा गर्क हो जाएगी, बेड़ा गर्क। और हाँ भाई, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हमारे पास बिल्कुल नई नई आइडिया लेवल वन की मैंने अभी रिसेंटली नई आईडी बनाई है, वो वाली मैंने सेव कर दी है ना। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ पबजी मोबाइल की सेटिंग्स बताऊंगा, मैं तुम लोगों को अपनी जो सेंसिटिविटी है वो भी रिवील कर दूंगा, और जो सेटिंग्स जिसके ऊपर मैं खेल रहा हूँ मैं वो भी रिवील करूंगा। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो, सेटिंग्स में गए हम लोग, ग्राफिक्स में गए, यहाँ पे मैं HDR एक्सट्रीम तक लेके जा सकता हूँ अपना कॉम्बैट, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ स्मूथ 90 FPS और ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, ऑडियो देखो, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ऑडियो अल्ट्रा पे खेल रहा हूँ मैं। यहाँ से सेटिंग्स पे चलते हैं, अभी ये सेटिंग्स हमारे पास खुल गई है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे बेस्ट फिक्स विंडो रेशियो पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि अनचेक होगा इसको चेक कर देना है लाजमी से। ठीक है, अब चलते हैं इंजन पे। इंजन तुम लोगों ने ऑटो पे, अगर तुम लोगों के पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो तुम लोग जो ओपन जीरो पे चला सकते हो, वरना अगर अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो तुम लोग डायरेक्ट एक्स पे चला सकते हो। और वैसे तो मैं कहूँगा कि भाई ऑटो पे रखो, ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, एनेबल रनिंग कैशी, यानी जो कैशी मेमोरी वो भी तुम लोगों की उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस में अच्छी रहेगी। ठीक है, फोर्स ग्लोबल रनिंग कैशी ये भी सही है, इन सारों को तुमने चेक कर देना है। अगर ये वाला, ये जो है ना, ये तब तुम लोगों ने चेक करना है जब तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड हो। ठीक है, उसके बाद एंटी लाइजिंग ऑफ कर देनी है। ठीक है, मेमोरी जितनी है उसकी तुमने आधी देनी है। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ 12 GB, तो मैंने यहाँ पे यानी मेमोरी रैम हो तो मैं यहाँ पे इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ भाई 12 GB रैम, और पता नहीं 3600 MHz की है, पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और प्रोसेसर, अगर तुम लोगों के पास, मेरे पास एट एट प्रोसेसर यानी 8 थ्रेड 8 कोर वाला प्रोसेसर है, तो मैंने इसको दो दिए हैं ताकि मेरी गेमिंग भी अच्छी हो और रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग करनी होती है तो वो भी अच्छी हो। जैसे कि और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ये यहाँ पे यही रहने देना। अगर तुम लोगों के पास ज़्यादा हाई एंड RTX वाला नहीं है तो ठीक है, DPI हमेशा 320 पे रखना है। और यहाँ पे तुम्हारा स्पीकर रहेगा जिसके ऊपर, जैसे हेडफोन है मेरा, और ये माइक जो तुम लोगों का, मेरा ये वाला माइक है, मैं ये यूज़ करता हूँ इन गेम के लिए। ठीक है, और ये वाला जो है ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मॉडल के ऊपर जाओ तो तुम लोग यहाँ पे कॉमन मॉडल सेट करके ASUS ROG 2 कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज के इसके अंदर 90 FPS होता है, बाकी बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिसके अंदर 90 FPS दी जा रही है लेकिन मुश्किल हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है बिकॉज के ये गेमिंग मोबाइल है। गेम से जाके ST720p पे कर सकते हो डिफॉल्ट पे, और ST HD 1080p, मैं 1080p पे खेल रहा हूँ। वैसे मैं इस पे खेल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि तो मैं इस पे खेल रहा हूँ बिकॉज कि मुझे गेम की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए विदाउट लैग। ग्राफिक्स क्वालिटी जाके स्मूथ कर दो। ठीक है, और FPS को डिफॉल्ट कर देना वैसे तो, लेकिन मैंने 90 पे कर रखा है, 120 आया हुआ है आजकल, तो 120 कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर देंगे और इसके बाद तुम्हारी गेम होगी रीस्टार्ट। अब तुम्हारी गेम जब रीस्टार्ट हो जाएगी तो तुम लोगों को कुछ ऐसे शो होगा। ठीक है, और सबसे पहले जाना है तुम लोगों ने सेटिंग्स में, फिर ग्राफिक्स में जाके, ग्राफिक्स में जाके यहाँ पे स्मूथ कर दो, 90 FPS कर दो, कलरफुल पे कर दो, कॉम्पैक्ट। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है लॉबी में HDR एक्सट्रीम कलर, ठीक है, ये बेस्ट रहता है, ये बिल्कुल बेस्ट रहती है। और उसके बाद यहाँ पे तुम लोग ये, इसको तुमने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग चले जाते हैं इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स छोड़ो रहने दो, और यहाँ पे आके तुम लोगों ने इसको अल्ट्रा कर देना, म्यूजिक ऑफ कर देना, बहुत बकवास होता है। अगर तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो तो म्यूजिक तुम्हारे लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का या कॉपीराइट फ्रेम का वाइस बन सकती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेंसिटिविटी में। तो सेंस में जो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब मैं AR गन यूज़ कर रहा हूँ, यानी अपनी M4 यूज़ कर रहा हूँ, AKM यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 60-70 पे रखता हूँ इनको। ठीक है, वरना यहाँ पे 120-180 पे चले जाती है जब मैं स्नाइपिंग करता हूँ। ठीक है, रेड डॉट देख सकते हो मैंने यहाँ पे, ये भी सिर्फ कैमरा सेंसिटिव, कैमरा सेंस है, सेंसिटिविटी में सब पूरा नहीं बोला जाए, मैं सेंस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ रेड डॉट जो है वो 20 पे कर रखी है। ठीक है, अब मैं जो माउस यूज़ कर रहा हूँ तुम लोग देख सकते हो, तो सॉरी माउस में ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं कौन सा है लेकिन ये मेरे ख्याल से 600 6000 DPI वाला है। ठीक है, और
2x की देख सकते हो मैंने 15 कर रखी है, यहाँ पे 3x की 2 कर रखी है, 4x की मैंने 11 की भी है, ये मैंने 2 पता नहीं क्यों कर रखी है, और 6x की 1 कर रखी है, 8x की 4 कर रखी है, बिकॉज कि हमने चलते चलते गाड़ी पे भी मार सकते मार भी हो चुके हो। अच्छा है यहाँ पे तुम लोग एडीएस सेंसेशंस को अनेबल कर सकते हो, ठीक है ये मेरी है, मैंने भी नई आईडी बनाई तो अनेबल नहीं थी, अब अनेबल की है मैंने, तो ये भी मैंने सेम एज इट इज तुम लोग उतार सकते हो अगर तुम लोगों के पास है, पीसी पे खेल रहे हो तुम तो, ठीक है। बाकी ये देख सकते हो कैमरा भी कल मैंने यहाँ पे कर रखा है, और इसको हमेशा तुम लोगों ने जब तुम लोग ये कर लो तो इसको अपलोड टू क्लाउड कर देना, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, बिकॉज के तुम जब भी किसी भी मोबाइल में अपनी आईडी खोलते हो तो उसके ऊपर ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, अब हम आते हैं जो हमने ग्राफिक्स को लेके जाना है, अच्छे ग्राफिक्स से कलर जैसे देख सकते हो बहुत ब्राइट कर रखे हैं मैंने, बहुत अच्छे कलर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो तुमने सबसे पहले क्या करना है राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल एनवीडिया कंट्रोल पैनल पर जाना है, अगर तुम लोगों के पास एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है तो। सबसे पहले तुम लोगों ने आ जाना है यहाँ पे एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू पे, और इसको तुम लोगों ने यूज एडवांस सेटिंग इमेज सेटिंग्स पे कर देना, ठीक है, और तुम लोगों ने फिर उसके बाद आना है अप्लाई कर देना, यहाँ पे मैंने 3D सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे तुम लोगों ने फीचर्स को फीचर सेटिंग में आके देखना है, एम्बेडेड इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, और एरोस्कोपिक फिल्टरिंग को तुम लोगों ने मैक्स कर देना है, 16x होगी यहाँ पे तो 16x कर देना है, बाकी इसको FX AA को हमने ऑफ कर देना है, गामा करेक्शन को भी ऑफ कर देना है, और एप्लीकेशन कंट्रोल ये जो एंटी अलियासिंग मोड है ना यार, देखो हमारे पास हमने सही गेम नहीं खेले, हमने बहुत सारी गेम्स खेली होती है, GTA 5 हो गई, पबजी मोबाइल हो गई, असैसिन्स क्रीड हो गई, बहुत सारी और गेम्स हैं हमने खेली होती, तो हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल ही करेंगे, ठीक है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, एंटी अलियासिंग सेटिंग्स एप्लीकेशन कंट्रोल एंटी अलियासिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देंगे, बिकॉज कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। उसके बाद क्वाड GPUOS है वो उसके ऊपर जाकर तुम लोगों ने इसके ऊपर अनचेक हुआ होगा इसको, यानी इस तरह का हुआ होगा ये, तुमने इसको इस तरह का कर देना, ठीक है ओके कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, यानी हो जाएगा, और उसके बाद ये जो DRS फैक्टर्स है इस सबको ऑन करके यानी इसके ऊपर क्लिक कर देना तुमने, चेक कर देना, ताकि जैसे ही तुम लोग गेम की सेटिंग करो तो वो बहुत हाई लेवल की चली जाए। अब इसको जो है ना ये जो 33% वाला है इसको तुमने चेंज नहीं करना, इसको छोड़ देते हैं वैसे ही। उसके बाद ये जो मैक्सिमम प्री रेंडरिंग फ्रेम्स है ये तुमने यूज 3D एप्लीकेशन सेटिंग्स पे करना है, बिकॉज हम लोग ये गेम नहीं खेल रहे हैं, हम लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं। उसके बाद GPU रेंडिंग ओपन जी एल जी पी रेंडिंग ऑटो सेलेक्ट पे कर देना है भाई, क्योंकि एक गेम तो खेली नहीं है हमने और सारी ओपन जी एल पे चलती नहीं है। ऑप्टिमल पावर पे जाकर यार देखो ये जो लोग करते हैं ना गलती करते हैं यार, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखे ना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखे ना लोग पागल होते हैं कि भाई मैं अन्नी मचा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यार इससे ना तुम लोगों का जो ग्राफिक कार्ड है वो डेड होता था, ठीक है। पहले ये गलती मैं भी किया करता था, लेकिन मैंने बहुत से टेस्ट के बाद यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। ऑप्टिकल पावर पे रख दो उसको, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। अडाप्टिव पे रखोगे तो वो फिर गेम के हिसाब से यानी टाइम के टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, वो गलत होता है। शेडर कैशी तुम लोगों ने ऑन कर दे दिए, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर फिल्टर, यहाँ पे ये तीन हमारे पास है टेक्सचर फिल्टरिंग के ना, हमारे पास चार आते हैं, तो हमने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी पे आना है, और यहाँ पे इसको हमने परफॉर्मेंस पे कर देना है। हाई क्वालिटी पे करोगे तो तुम लोगों को ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे, हाई परफॉर्मेंस पे करोगे तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा GPU जो है वो डेड हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे करोगे तो तुम्हें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और ग्राफिक्स भी अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे आना है तुम लोगों ने, उसके बाद ये तुम लोग जैसे देख सकते हो ये सारी कुछ होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये वर्चुअल सीक्वेंस, अगर तुम लोगों के पास वर्चुअल सीक्वेंस वाला है मॉनिटर, मेरे पास नहीं है एक्चुअली भाई, तो तुम ऑन कर सकते हो अगर है तुम लोगों के पास, अगर नहीं है तो उसको यूज 3D एप्लीकेशन सेटिंग करके यहाँ पे, और ये जो है ना ये फ्रेम्स ये 1 पे ही रखना है, ये भी चेंज नहीं करना, और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना और ख़त्म। फिर तुम लोगों ने आना है एडजस्ट डेस्कटॉप कलर सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ से तुम लोगों ने यूज एनवीडिया सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, और वाइब्रेंस जो है तुम लोगों ने जितनी बढ़ानी हो वो बढ़ा देना, मैं 60 रखूँगा क्योंकि तुम 60 पे बेस्ट लग रहा है, लोग 75 भी रखते हैं, मैंने पिछले जब मेरे पास पुराना जी होता था PC तो मैंने 75 पे कर रखी थी, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं कर रहा, यहाँ पे हम लोगों ने उसको अप्लाई कर देना लाजमी से। अब हम लोगों ने आ जाना है इसके ऊपर, तो ये 85 Hz पे गई है, इसको जाके यहाँ पे तुम लोगों ने ना सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हर्ट्स है उसको रिफ्रेश रेट पे सबसे 85 कर देना, रेजोल्यूशन जो हमने रखी है वो ये रखी हुई है, ठीक है।
डिस्प्ले हमारी वन है और एक्सपेक्ट रेशियो पे कर देना, फुल स्क्रीन पे ना करना, ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगी तुम लोगों के पास। और उसके बाद हमने आ जाना है एडजस्ट कलर सेटिंग्स पे आके, तुम लोगों ने जाना है विद एनवीडिया सेटिंग्स पे जाकर, एडवांस में आना है और फुल के ऊपर लिमिटेड हुआ होगा वो तुमने फुल पे कर देना है, बिकॉज इसके अंदर सारे कलर्स आ जाएंगे। उसके बाद एडजस्ट वीडियो इमेज सेटिंग्स पे आके यूज एनवीडिया सेटिंग्स पे कर देना है इसको, और यहाँ से नॉइस रिडक्शन को भी यूज एनवीडिया सेटिंग्स पे कर देना है, और उसके बाद अप्लाई करके निकल जाना वहाँ से। अब तुम लोगों की गेम जो है वो एकदम मक्खन हो गई है। ओके बॉयज, तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छी लगी कि वीडियो, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने अभी तक डाली नहीं थी। सो अभी मेरे पास आई है, मैंने एलईडी वगैरह ले लिया, सब कुछ हो गया, सेक्शन हो गया, सेकेंड एलईडी का वेट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी लेने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मज़े की लगी हो, वैसे लगी तो बहुत मज़े की होगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों के पास पीसी है नया नया और वो लोग आए नए नए पबजी मोबाइल पे। भाई मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना भाई, इस मंथ के अंदर अंदर यार 1750 कराओ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मिलते हैं तुम लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय, टाटा।